नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण कुमार घोष आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों ने कल का मैच देख लिया होगा, जो कि इंडिया सुपर ओवर में 10 रन से जीत गया। और कल का मैच बहुत ही एक्साइटिंग था, क्योंकि कल के मैच में दो सुपर ओवर हुए, जिसमें पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 16 रन बनाए, फिर उसको चेज करते हुए टीम इंडिया ने 16 रन बना दिए, और जिसकी वजह से वो सुपर ओवर टाई हो गया। फिर टाई होने के बाद दूसरे सुपर ओवर में टीम इंडिया के प्लेयर्स ने दोनों विकेट गिर गए उनके 5 बॉलों के अंदर, बट उन्होंने 11 रन बना दिए थे। पहले बॉल पे रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग के 2 बॉलों पे छक्का चौका मारा था, और तीसरी बॉल पे उन्होंने सिंगल लिया, और चौथी बॉल पे जो है आपके रिंकू सिंह आउट हो गए। उसके बाद 5वीं बॉल पर रन आउट हो गए रोहित शर्मा, जिसकी वजह से आपको 11 रन बना पाई टीम इंडिया। और अगर वही बात की जाए तो उस टारगेट को जब वो चेज करने आया 12 रन सुपर ओवर में बनाने थे, तो उनकी तरफ से टीम की तरफ से एक ही रन बन पाया, क्योंकि उनके जो दोनों ही बैट्समैन रवि बिश्नोई के जो जाल में फंस गए, और जिसकी बदौलत वो कुछ नहीं कर पाए। वो 3 बॉलों पे 2 विकेट खोके सुपर ओवर में वो मैच हार गए, और 10 रन से टीम इंडिया जीत गई। अगर बैट्समैन की बात करें सुपर ओवर में, तो मोहम्मद नबी ने 1 रन 1 बॉलों पे 0 रन बनाए, गुरबाज ने भी 1 बॉलों पे 0 रन बनवाए, और करीम जन्नत जो है आपके नॉट आउट रहे। अगर मैच की बात की जाए, तो जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि मैच बहुत ही कांटे का होने वाला है, क्योंकि जो अगर विकेट को देखा जाए, बेंगलुरु का विकेट बहुत ही चेज हो जाते हैं इसमें बड़े बड़े स्कोर। आईपीएल में भी हमने देखे हैं 200 प्लस के स्कोर चेज हुए हैं, और कल का भी जो मैच में स्कोर है वो आराम से चेज हो जाता। अगर हम बात करें उनके प्लेयर्स की जिन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया, उसमें आपके रहमतुल्ला गुरबाज जिन्होंने 50 रन बनाए 32 बॉलों में, फिर उसके बाद इब्राहिम जादरान जिन्होंने 50 रन बनाए 41 बॉलों पे, और जो गुलवदीम नईम जो थे उनके, जिन्होंने लास्ट तक वो टिके रहे 55 रन बनाए 23 बॉलों पे, जिनमें उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के मारे। अगर वहीं बात की जाए मोहम्मद नबी की, तो मोहम्मद नबी ने भी शानदार कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने 34 रन बनाए 16 बॉलों पे, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के लगाए। और उसके बाद जो है अगर टीम इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए, तो उसमें आपके मुकेश कुमार जो कि 4 ओवर में 44 रन, ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव रह रहे हैं, ये इतना बेहतरीन कर नहीं पा रहे। आवेश खान ने भी 4 ओवर में 55 रन बनाए। उसके बाद आपके रवि बिश्नोई ने, और आवेश खान ने भी 4 ओवर में 55 रन दिए, जिसमें उन्होंने 1 विकेट लिया। उसके बाद रवि बिश्नोई जिन्होंने 4 ओवर में 38 रन बनाए, 0 विकेट उनको मिला। वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग किया, जिनमें उन्होंने 3 ओवर में 18 रन देके 3 विकेट लिए। और कुलदीप यादव ने भी आपके 3 ओवर में 31 रन देके 1 विकेट लिए। अगर सीरीज़ की बात की जाए, तो सीरीज़ आपके रोहित शर्मा और शिवम दुबे के नाम रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग के दोनों मैच में शिवम दुबे ने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया था। दोनों ही मैच में उन्होंने 50 मारे, और जो लास्ट जो मैच था उसमें रोहित शर्मा ने 121 रन की बहुत बेहतरीन पारी खेली, जो कि उन्होंने मात्र 69 बॉलों पर खेली, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाए, और जिसकी बदौलत उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। और दोनों ही सुपर ओवर में दोनों ने उन्होंने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया। दोनों ही सुपर ओवर उन्होंने पहले सुपर ओवर में 2 छक्के मारे थे शायद, उसके बाद उन्होंने दूसरे सुपर ओवर में 1 छक्का और चौका, जिसकी बदौलत टीम इंडिया जीती। और अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि अंपायर्स को कुछ ख्याल नहीं था शायद, क्योंकि पहले सुपर ओवर में रोहित शर्मा जो है रिटायर्ड आउट हुए थे, रिटायर्ड हर्ट नहीं हुए थे, तो शायद कोई प्लेयर वगैरह और कोई इतने न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह जो भी है, वो लोग बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा इज़ नॉट एलिजिबल फॉर बैटिंग इन सेकंड सुपर ओवर। तो ये इसमें तर्क किया जा सकता है, और जो मैंने रूल्स वगैरह देखा उसके हिसाब से लिखा हुआ है इसमें कि अगर कोई बैट्समैन पहले सुपर ओवर में आउट हो जाता है, तो उसके बाद वो दूसरे में नहीं खेल सकता। बट ये अगर अंपायरों की कुछ गलती, बट आईसीसी को इसमें देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं, बट जो भी हुआ फैसला टीम इंडिया के हित में रहा, और टीम इंडिया ने 10 रन से मैच जीत लिया। और अगर आप बात करें अफगानिस्तान के प्लेयर्सों के लिए तो आप लोगों को ताली बजानी पड़ेगी, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो है वो इतनी बड़ी टीम नहीं है, बट वो बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर दे रही है, और जो टक्कर उन्होंने कल दिया, तो उनसे उनका दिल गुर्जा और जज्बा दिखा कि वो लोग जीतने के लिए खेलते हैं और जीतने के लिए ही आए थे सीरीज। बट कम से कम वो एक मैच जीत सकते थे कल का, अगर थोड़ी सी किस्मत उनके साथ रहती तो वो मैच नहीं जीत पाए, और इंडिया ने 3-0 से सीरीज जीती। और इनके जो कैप्टन हैं अफगानिस्तान के आपके इब्राहिम जादरान, इनके लिए भी बहुत बेहतरीन तालियां बजानी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि एज ए क्रिकेट फैन हमने एक बेहतरीन मैच देखा, और लोगों ने भी बेहतरीन देखा, और लोग जितने भी क्रिकेट प्रशंसक हैं वो तालियां बजा रहे हैं अफगानिस्तान की टीम के लिए। और अफगानिस्तान टीम के लिए आप बात करें
तो इसमें आपके जो राशिद खान थे वो नहीं थे। अगर वो होते तो ये टीम और लीथल हो सकती थी और ये टीम इंडिया को चोट दे सकती थी। अगर सीरीज इंडिया जीत चुकी और अगला जो मतलब टेस्ट सीरीज है वो इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है और टीम इंडिया अभी कुछ दिनों का आराम करेगी। आज आपका 17-18 तारीख है, आज इसके बाद वो मतलब 5-6 दिन ही रिपब्लिक डे वगैरह तक आपका आराम करेगी। उसके बाद जो है वो दोबारा उतरेंगे, वो मतलब 25 या 26 तारीख से जो हमारी टेस्ट सीरीज 26 या 27 तारीख से है शायद, उसमें आपका जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो आपकी सीरीज चालू होगी वो चालू होगी। और उम्मीद है टीम इंडिया क्लीन स्वीप करेगी 5-0 से और टीम इंडिया दिखाएगी कि हम नंबर वन है और नंबर वन हमें रहने का हमें हक है। और अगर वहीं बात करें दूसरे मैच का जो कि कल होने वाला है, उसमें आपका पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में मैच होगा, जिसमें अगर बात करें पाकिस्तान सीरीज हार चुकी है 3-0 से और चौथा मैच उनके लिए ठीक ठाक होगा। अगर उनको सम्मान बचाने के लिए खेलना है तो उनके लास्ट के दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। और अगर बात करें शाहीन शाह आफरीदी की, उनकी कैप्टनसी प्लस आपके मोहम्मद रिजवान इनके ऊपर मतलब उंगलियां उठ रही है, प्लस उनके जो मतलब हेड कोच बोले या प्रोफेसर शाहिद मतलब प्रोफेसर जो है मोहम्मद हफीज उनके ऊपर भी मतलब टीम के प्रदर्शन के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही है। तो उनको भी कल का मैच अगर वो जीतते हैं तो थोड़ा बहुत वो सांत्वना मतलब प्राप्त कर सकते हैं अपनी टीम की मतलब अपनी टीम के फैंस से, और अपनी टीम के फैंस को भी मतलब वो कर सकते हैं कि हाँ हम लड़े और हम मतलब खेल जीतने के लिए आए थे, हम जीते बट हमारे कंडीशन हमारे हाथों में नहीं थी। और जो न्यूजीलैंड के प्लेयर है उनको बेहतर कंडीशन हमसे ज़्यादा पता है न्यूजीलैंड के बारे में, तो इस वजह से वो पिचेस वगैरह का यूज अच्छे से कर पाए और वो सीरीज जीते। तो पाकिस्तान की नज़रें होंगी चौथे T20 में जो कि उनको जीतना होगा। और अगर वो चाहते हैं मतलब उनका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, तो उनको अगर मतलब थोड़ा बहुत अगर नाम वगैरह बचाना है या शाहीन शाह आफरीदी को अपनी कैप्टनसी के ऊपर उंगलियां नहीं उठानी है तो कल के मैच में उनको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा और टीम को मतलब इस सिचुएशन से उबार के कम से कम 3-1 की जो है कम से कम हार के अंतर को कम से कम करना पड़ेगा। और देखते हैं कल पाकिस्तान की टीम कैसा खेल दिखाती है। और अभी तो इंडियन टीम की बात करें तो अभी उनके पास 5-7 दिन की छुट्टी है, उसके बाद वो खेलेंगे तो इंग्लैंड से। तो मिलते हैं मतलब अगले वीडियो में, और अगर वीडियो वगैरह अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों वगैरह में ज़रूर फैलाइए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।